नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को वापस से लेकर पहुंचा हूं एक नए फैक्ट्री में, और जो लोग बेरोजगार ले गए उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भाई आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहीं ना कहीं रोजगार मिलने वाला है। फिलहाल अभी मैं आप सभी को लेकर पहुंचा हूं एक ऐसी फैक्ट्री में जहाँ से दोस्तों फ्लाईएस मतलब ईंट बनाई जाती है, सीमेंटेड ईंट, जो कि अभी 2023 के लिए बात कर ले 2024-25 में सबसे ज्यादा अगर कोई मोस्ट डिमांडेड भाई बिजनेस चलने वाला है तो फ्लाईएस की बिजनेस चलने वाला है। क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि भाई ईंट भट्टे जो है लगातार अभी बंद होते जा रहे हैं, बहुत सारे ईंट भट्टे बंद भी हो चुके हैं और सबसे ज्यादा अभी कोई ईंट चल रहा है वो सीमेंटेड ईंट चल रहा है। बाकी आज हमारे साथ सर है जो की काफी अच्छा यहाँ पे छोटा सा फैक्ट्री लगाया है और काफी लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, तो आज हम सर से कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी फॉलोअर्स हैं, हाँ, मैं अरविंद कुमार पप्पू सबको प्रणाम सलाम अदा करता हूँ। जी जी। अच्छा सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि अपना जो फैक्ट्री लगा है ना फ्लाईएस का, ये कहाँ पे लगा हुआ है? ये बिदभैरवा पंचायत का करड़िया गांव में लगा है। बिदभैरवा पंचायत के करड़िया गांव में अभी फिलहाल हम लोग मौजूद है और सर काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। तो खुद भाई अभी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और कहा जाता है ना कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा कि भाई छोटा मालिक बने, खुद का अपना उद्योग शुरू करें। मैं आप सभी को लगातार ये चीजें बताता रहता हूँ। बाकी सर से इन सब के बारे में जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि सर के अंदर क्या ऐसा ख्याल है कि भाई आज अपने गांव पे इन्होंने फ्लाईएस की और बिजनेस को शुरू किया, इससे पहले क्या कर रहे थे? सर थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिएगा अपनी बातों को। 2016-21 तक ये ग्राम पंचायत बिदभैरवा का मुखिया था, यही के मुखिया थे। मैं आप सभी को इस चीज को नहीं बताया क्योंकि मैं सर से जानना चाहता था जी। और बहुत कम अंतराल वोट से चुनाव हम पराजित हुए हैं। चुनाव पराजित के बाद मैंने सोचा जी, जो ये बेरोजगारी का दौर जो चल रहा है, कौन ऐसा व्यवसाय करे कि स्वयं को अपने लाभ पाते हुए दूसरे को लाभ पहुंचे। क्या बात है, देखिए ये चीजें कहीं ना कहीं होना चाहिए भाई कि खुद तो सर जो पैसा कमा रहे हैं लेकिन सर के साथ साथ कोई और लोग भी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे आप 5 से 7 लोगों को सर रोजगार भी दिए हैं। अब पूरा जानकारी आपसे बताएंगे। 10 लोगों का रोजगार चल रहा है। 10 लोगों का जी, ड्राइवर से लेकर ट्रैक्टर ड्राइवर से लेकर के लोडिंग और लोडिंग और कारीगर लगा के 10-11 आदमी, मंथली लेकर 11 आदमी हमारे यहाँ काम कर, रेगुलर काम कर रहे। अच्छा मुखिया जी, एक चीज पे हम लोग बात करें, बहुत लोग सोचते हैं कि हमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, मैं बिजनेस करूंगा तो क्या मेरा प्रोडक्शन जो निकलेगा वो मार्केट में हम कैसे सेल कर पाएंगे? तो आपने इतना बड़ा फैक्ट्री अपने गांव पे शुरू कर दिया, क्या सर आप इस चीज को लेकर डरे हुए थे कि जो मैं प्रोडक्शन निकालूंगा उसे मार्केट में सेल कर पाऊंगा कि नहीं, इस चीज को लेकर सब डरे हुए थे? सबसे पहले कोई भी काम करने पर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हाँ। हमेशा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। हाँ। काम कोई कीजिए गुणवत्ता हाँ। के साथ में काम कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हाँ। आपके काम के अंदर गुणवत्ता होना चाहिए। हाँ। सही समय पर डिलीवरी होना चाहिए। हाँ। आपका निश्चित तौर पर जो है कि व्यवसाय चलेगा। अगर आपका कहीं ना कहीं बात करें प्रोडक्ट में दम है तो भाई मार्केट में कौन रोक सकता है आपका प्रोडक्ट? दम बिजली आपका प्रोडक्ट मार्केट में निकलेगा, बस उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। आप ऐसा ना सोचे कि भाई आज बिजनेस किए कल से पैसा छपना शुरू हो जाए, वैसा नहीं होता है। बिजनेस में थोड़ा सा समय देना होता है, इन सब चीजों को करते हैं हम लोग साइड। थोड़ा सा आप सभी को बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें बनती है। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा रूम है और छोटे से रूम में सर ने इस बिजनेस को लगाया हुआ है, जो की मैंने आप लोग को बताया फ्लाईएस मतलब की ईंट, सीमेंटेड ईंट यहाँ पे बन रहा है। मुखिया थोड़ा सा इधर आ जाइए, इस मशीन के बारे में बताइए तो कौन सा मशीन हो जाएगा? ये हो गया कलर पेन मशीन। कलर पेन जी, कलर पिक्चर मशीन इसको बोला जाता है, मतलब जो ईंट में कलर आता है उसे कलर से बनाया जाता है। ठीक है, और कलर बना के ये वाइब्रेट मशीन है। वाइब्रेट मशीन, वाइब्रेट मशीन है। अच्छा, कलर बना करके इस पर जो है कि वाइब्रेट मशीन पर फार्मा को रखा जाता है। ठीक है, आगे आगे थोड़ा सा आगे आप दिखाते हैं, ये वाइब्रेट करते हुए यहाँ कारीगर पास पहुँचेगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाए, ये यहाँ पे इसको वाइब्रेट करने के बाद यहाँ पे आता है, इसमें ये मसाला रख दिया जाता है, मसाला भर रहा है, वाइब्रेट मशीन पर वो हो जाएगा जाएगा। देखिए फिर से यहाँ पे वाइब्रेट मशीन पे आया, फिर से यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है। अच्छा सर एक चीज में बात करें, इसमें सीमेंट कौन सा डाले हुए आप? सीमेंट अल्ट्राटेक, सीमेंट अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक सच बोल रहे ना, अल्ट्राटेक बोला आप देख लीजिए। चलिए हम लाइव तस्वीर आप सभी को दिखाएंगे, यहाँ पे अल्ट्राटेक मतलब नंबर 1 सीमेंट यहाँ पे डाल के फिर ईंट तैयार किया जा रहा है। अच्छा एक चीज पे हम बात करना चाहेंगे, कलर ईंट का या फिर टाइल्स वगैरह का लोगों का अभी स्टैंड डिमांड आ रहा है, सीमेंटेड टाइल्स ये लोगों को सीमेंटेड ईंट चाहिए, तो वो चीजें सर आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फैक्ट्री से? अभी हमारा जो है की ये फेबर ब्लॉक है, फेबर ब्लॉक, ये फेबर ब्लॉक है। हाँ। टाइल्स के भी काम हमारे यहाँ होता है। हाँ। और सीमेंटेड बेंच का भी। हाँ।
जो जैसे ही ऑर्डर आता है हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। ये सर अपने ऑर्डर में जा रहा है, ये ऑर्डर में देखिए एक चीज आप लोग देखिए, इतना ईट जो बन रहा है ना अभी, ये फाइबर बन रहा है जितना, ये सब अभी जा रहा है मतलब ऑर्डर पे आया हुआ है। और आप लोग सोचते हैं कि भाई अपने बिजनेस की हम कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे, तो आप लोग देख लीजिए, आप गोभी के सामने है भाई, और इनके ऐसे जा रहा है, और आगे स्टॉक में भी अभी बन के अभी माल रेडी है। हम और भी चीजें आपको बताएंगे, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि सीमेंट में कौन सा सीमेंट पड़ रहा है, कौन सा बालू पड़ रहा है, ये रॉ मटेरियल की बात। उजला बालू का लोग प्रयोग करता है, लेकिन मैं 100% लाल बालू का। ये देखा, ये देखे भाई, ये देखिए, ये बिल्कुल लाल वाला बालू जो बोलते हैं ना, लाल सोन बालू, वो बालू इसमें यूज किया जा रहा है। ये जीरा गिट्टी हो गया, वो देखिए जीरा गिट्टी दिखाया थोड़ा सा, रॉ मटेरियल देख लीजिए, जीरा गिट्टी इसमें यूज किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो ईट यहाँ से बन के जो तैयार होगा वो कितना मजबूत होगा, और कितना अगर बोल सकते हैं आपने आम भाषा में तो कितना बरियार वो ईट होगा। और देखिए फैक्ट्री आप लोग देख रहे होंगे पीछे लगा हुआ है। और भी चीज हम दिखाएंगे कि सीमेंट इसमें कौन सा यूज हो रहा है, सीमेंट सर दिखाइएगा, आप बताइए कि अल्ट्राटेक का सीमेंट हम यूज कर रहे हैं। हम आप सभी को लाइव तस्वीर दिखाएंगे कि अल्ट्राटेक का यहाँ पे सीमेंट यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और अगर आप लोग अभी अल्ट्राटेक का कल रेक नहीं था तो फिलहाल काम करने के लिए 50 बोरी हमारे चेतक। थोड़ा सा इधर दिखा दे, थोड़ा सा देखिए अभी सर देखिएगा आप सभी के लिए कितना ज्यादा कष्ट के। फिर देखिए यहाँ पे बाइक लगा है, बाइक हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा साइड, और ये देख लीजिए आप सभी के सामने अभी यहाँ पे पूरा बन के, यहाँ पे देख लीजिए आपको कलर वाला चाहिए कलर वाला भी मिलेगा, सादा चाहिए सादा भी मिलेगा। और ये दिखाए थोड़ा सा दिखाए यहाँ पे लाइए, रेक पॉइंट नहीं लगने का अभी, चेतक जो ढलाई में यूज होता है, चेतक देख लीजिए थोड़ा सा यहीं से दिखाइए, देखे चेतक वहाँ पे अभी आप सभी को देख लेंगे। और ये सर पूरा सीमेंट से तो गोदाम फुल होगा जी, अल्ट्राटेक से फुल होगा, फिर कल इसका रेक लग जाएगा अल्ट्राटेक का, कल फिर बालिया फुल हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ से आप सभी को कलर भी दिखा देते हैं, देखिए आपको सादा मिल जाएगा, सादा है ना, ये सादा है, ये सादा हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए रेड कलर हुआ, ये रेड कलर में हो जाएगा, और पीछे में अगर दिखाए तो आप येलो कलर मतलब पीला कलर में आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस ईंट में कितना ज्यादा दम है, हम आप सभी को उठा के दिखाते हैं, काफी वेट में है भैया देख लीजिए। दूसरा चीज कि जो सरकारी एस्टिमेट में होता है 80 mm, मैं गारंटी साथ में कह सकता हूँ कि कोई मेरा मापी कर ले, कल इंजीनियर साहब भी आए हुए थे वो नापी भी किए, ये कल कंप्लीट 80 mm का ईंट है, 80 mm का है जी। तो मतलब यहाँ से भाई जो आप ईंट लेंगे तो बाकी आप लोग सोच रहे हैं कि जिस तरह का ईंट चाहिए वो आपको तो ईंट मिलेगा, लेकिन 80 mm में ये ईंट हो जाएगा। और भाई मजबूती की बात करें तो आपको वही मजबूती मिलेगा जो आप लोग ढूंढ रहे हैं मार्केट में, लेकिन शायद इससे सस्ता। हम रेट भी बताएंगे आपको क्या रेट में पड़ेगा, दिखा दीजिए इधर, ये आपको येलो कलर में मिल जाएगा। अच्छा सर एक चीज पे हम बात करें रेट के लेकर, बहुत बिहार में लोग कंफ्यूज होते हैं रेट में भाई, क्या रेट में यहाँ रेट मेरा जो व्हाइट है ये 18 रुपया पीस पड़ेगा, 18 रुपया पीस पड़े प्लस आपको डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी चार्ज ये 20 रुपया पीस पड़ेगा प्लस डिलीवरी चार्ज, रंगीन वाला, रंगीन वाला। अच्छा कोई लोग अगर बहुत सारी सरकारी विभाग के कुछ लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे वो लोग कार्य करा रहे हैं, कहीं ना कहीं सर आप भी मुखिया हैं और आपके तरह और भी लोग कुछ लोग मुखिया होंगे जो अपने पंचायत को चाह रहे कि भाई उज्जवल पंचायत बनाया जाए, उन सब पंचायतों में इस तरह की ईंट वगैरह लगाने के लिए, तो आपसे थोक भाव में ईंट ले सकते हैं कि नहीं? सरकार भी कंप्लीट ग्राम पंचायत को फेबर ब्लॉक से ही काम कराने का आदेश दिया है, कहीं से जो है कि लाल ईंट से काम नहीं कराना है, ये सीमेंटेड ईंट से ही काम कराना है। तो मैंने आप सभी को बताया अभी लाल ईंट का बहुत ज्यादा मार्केट में अभी भाई गिरते जा रहा है, सब अभी मोस्ट डिमांडेड जो ईंट चल रहा है यही सब ईंट चल रहा है। और सर का हमने फैक्ट्री भी दिखाया यहाँ पे, हमने आप सभी को लाइव तस्वीर भी दिखाया कि कैसे यहाँ पे जो ईंट बन के तैयार हो रही है, जो टाइल्स बन रही है, वो सब चीजें मैंने आप सभी को बताया। और देख लीजिए आप बिल्कुल छोटे से रूम में यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है। अगर आप इस तरह की उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो हम सर से एक बार राय लेना चाहेंगे, जो सर बेरोजगार लोग हैं ना उनके लिए आपके अपना सलाह देना चाहेंगे। निश्चित तौर पर कोई लघु उद्योग नहीं होता है, अपनी मानसा को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, सोच को डेवलप करना चाहिए, और छोटा सा छोटा लघु उद्योग काफी लघु उद्योग है। आप अगरबत्ती का प्लांट बैठा ले, आप पत्तल का प्लांट बैठा ले, आप गिलास का प्लांट बैठा ले, आप कटोरी का प्लांट बैठा ले, आप नमकीन को प्लांट बैठा ले, आप चिप्स को प्लांट बैठा सकते हैं, जो जैसे सक्षम है आप कोई ना कोई रोजगार निश्चित तौर पर करें, उससे दो फायदा जी, आपका स्वयं का लाभ होगा और साथ ही साथ आप दूसरे को भी लाभ दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं। मतलब अभी आप देख रहे होंगे बिहारी मजदूरों के साथ परदेशों में किस तरह की हालात की जा रही है, बहुत सारे न्यूज़ पे आप सब वीडियो देखे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी यही कहना है कि भाई अगर आप लोग बेरोजगार हैं, अगर आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आप भी कुछ अच्छा कीजिए समाज में। बाकी हमने आप सबको दिखाने की कोशिश किया कि यहाँ से जो सीमेंटेड ईंट बन रही है वो किस तरह से बन रही है, और आप इनसे जुड़ के लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। सर एक बार हम आपसे बोलना चाहेंगे, अपना एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बोल दिया जाए, बाकी वीडियो के ऊपर भी नंबर रहेगा, उस नंबर पे आप कॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर कोई रोजगार आपके यहाँ से लोग चाहे कि आपसे जुड़ के कोई लोग रोजगार शुरू करे अपना, वो लोग कर सकते हैं कि नहीं?
निश्चित तौर पर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आके पर्सनल उनको मिलना होगा, हमसे बात करना होगा, आप कमिटमेंट होगा, उनको सप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको हर एक जगह से कहीं ना कहीं बात करें तो सर सपोर्ट करें। हमारे मुखिया है, मैं आपसे ये चीज को लास्ट में बता रहा हूँ, हमारे खुद के मुखिया है, और मैंने इस चीज का स्टार्टिंग में नहीं बताया क्योंकि भाई मैं आपसे को दिखाना चाहता था कि यहाँ से जो सीमेंटेड ईंट बन रही है उसका वाक्य में यहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज किया जा रहा है। तो बाकी अधिक जानकारी चाहते हैं तो सर का नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और पूरी जानकारी लीजिए। और चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कॉन्टेक्ट नंबर 9431059452 ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टेक्ट नंबर। तो बाकी इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्प्ले पे भी चलता होगा, इस नंबर पे आप फोन कीजिए, सर से व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए वीडियो लेकर आप सबके बीच बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।